नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और इसमें ग्रह बाधा जब हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये आज का साइंस माने या ना माने लेकिन ग्रह बाधा जरूर होती है। और क्या होता है ना, बुरे नजर और अच्छी नजर उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अभी आप लोग ऐसा सोचेंगे कि जो हमारे अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, उन्होंने कितना लंबा शादी किया अपने बेटे का, अनंत अंबानी का, और मतलब वो इतना मीडिया में आया, पूरी दुनिया के लोग आए, तो अभी उनसे जलने वाले भी लोग हैं। मतलब देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो लोग हमेशा गालियां देते हैं अडानी अंबानी को, तो बहुत सारे दुश्मन भी हैं उनके, तो उनपे बुरी नजर क्यों नहीं लगती है और पॉजिटिव ही क्यों हो रहा है उनपे? इसका कारण क्या है? इस पे रिसर्च हुआ है कि जो लोग ना, जैसे अंबानी जी है ना, आप लोग कभी भी ध्यान से देखिएगा कि वो इतना दान करते हैं, मतलब मंदिरों में दान करते हैं, राम मंदिर बन रहा था उधर भी दान किया, फिर उसके बाद में उन्होंने कितने जोड़े लोगों की शादी कराई, अपने बेटे की शादी के पहले शादी कराई, फिर इतने गरीब लोगों को खाना खिलाया। तो जो ब्लेसिंग्स मिलता है ना, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स का, उसके वजह से मतलब पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन जो ब्लेसिंग्स है इतने लोगों की, वो इतनी पॉजिटिव है ना वाइब्स कि वो उनको प्रभावित नहीं करती है, तो इसीलिए खुल। और वो लोग इतने अच्छे हैं ना अंबानी लोग, मतलब लोग जले तो जले लेकिन वो कभी ऐसे किसी का बुरा नहीं करते हैं। बिजनेस अलग बात है लेकिन अपने तरफ से वो कभी बुरा नहीं करते हैं, तो उनपे कभी भी निगेटिव एनर्जी या ग्रह बाधा या जो ईर्ष्या की वजह से कॉम्पिटिटर तकलीफ देने चाहिए वो सब कभी नहीं आते। तो हमें भी ये सीखना चाहिए, हर दुनिया में अच्छी चीजों के सीखना चाहिए। अभी आप लोग देखेंगे तो इसराइल और मुस्लिम कंट्रीज में इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसराइल ने क्या किया कि जेरूसलम पे कब्जा कर लिया है, और वो जेरूसलम जो है वहां पे जो मस्जिद है वो मतलब दुनिया की मुस्लिम लोगों के लिए सेकंड नंबर की सबसे पवित्र मस्जिद है, क्योंकि अल्लाह ताला वहां से घोड़े पे होके और जन्नत को गए थे। तो इसराइल ने बुरा किया, अब उस पर अटैक हो रहा है, तो निगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोनों तरफ से, अमेरिका और इसराइल एक साइड है और मुस्लिम कंट्रीज एक साइड है। ये निगेटिविटी जो है वो बहुत कहां तक, विश्व युद्ध तक लेके जाएगी। और अंबानी जी लोग का देखिए, वो लोग बिजनेसमैन हैं लेकिन इतना दान करते हैं, इतने ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनपे कभी भी निगेटिव चीजें आती ही नहीं है, और आती भी है तो वो निकल जाती है। तो अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। 6, 7, 8 नंबर का जो श्लोक है, यह आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अगर वंदना पाठक मैडम जी आप शुरुआत करें तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि नवीन जोशी सर अभी है नहीं, तो आप संथा देके पढ़ सकती हैं, या वीना मैम, सविता मैम, कोई संथा देके पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे।
आप लोग में से कौन करना चाहे, अभी देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखिए पहले तो। बोलिए बोलिए आप लोग। सविता पेठे मैडम आप करेंगी क्या? हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ सिक्स पैक वंदना मैम ने किया तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, वंदना गुरु मैडम पूर्णिमा आप का करना प्रणाम चाहेंगी? सभी को। वंदना हाँ मैडम हाँ ठीक है आप करिए। हाँ रेजी मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ। ठीक है सविता मैडम आप करिए, आपके पीछे पीछे सब लोग हाँ बोलेंगे। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। ग्रहों से गृहित होने के कारण शीघ्रं पाप क्रिया आरंभ पापो निष्ठस्य कर्मणः। छिद्रम पाप शीघ्रं पाप क्रिया आरंभ पापो निष्ठस्य क्रिया कर्मणः। एकस्य शून्येव स्थानं श्मशानादिषु वा निशि। एकस्य शून्येव स्थानं श्मशानादिषु वा शून्य निशि। दिग्वा सत्वं गुरो निंदा रतेर विधि सेवनम्। देवा दिग्वा सत्वं सत्वं गुरु गुरो निंदा निता रतेर विधि विधि सेवनम्। सेवनम्। अशुचेर देवता चार्दी अशुचेर देवता चार्दी परसूतक संकरः। अशुचे अशुचे देवता देवता चादि चार्यादि संकरः। शंकरः। होम मंत्र बलि ज्ञानाम विभूति कर्म च। होम ओम मंत्र बलि मंत्र ज्ञानाम बलिज्ञानाम विगुणम विगुणम परिकर्म परिकर्म च। समासाद दिनचर्यादि प्रोक्ताचार व्यतिक्रमः। समासाद समासाद दिनचर्यादि दिनचर्यादि प्रोक्ताचार प्रोक्ताचार व्यतिक्रमेण। व्यतिक्रमः। हिंदी में पढ़ देती हूँ इसमें। जी छिद्र प्रवेश करने का समय पाप कार्य का प्रारंभ अशुभ कर्म का परिणाम काल अकेले की शून्य स्थान में स्थिति अथवा श्मशान आदि में रात्रि में रहना नंगा रहना गुरु की निंदा अविधि पूर्वक मैथुन अपवित्र होकर देवता की पूजा करना अपनी जाति से भिन्न के स्त्रुतक का संश्लेष होम मंत्र बलि यज्ञ का विपरीत अनुष्ठान और प्रतिभंग संक्षेप में दिनचर्यादि में कहे आचार का व्यतिक्रम करना ग्रहों के छिद्र प्रहार का अवसर होता है। जी सर। जी ये जो बताया है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी भगवान का पूजा वगैरह करते हैं तो स्नान करके पवित्र होके ही करना चाहिए, मन से भी शुद्ध होना चाहिए और शरीर से भी शुद्ध होना चाहिए नहा के स्नान करके। जैसे पाप कार्य का प्रारंभ किया, किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं मतलब गॉसिप कर रहे हैं या फिर किसी को हिंसा कर रहे हैं तो इसमें ग्रह प्रवेशित हो जाते हैं। अशुभ कर्म का परिणाम काल अगर होता है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर किया या किसी को दुख दिया, तो फिर वो जो ग्रह है वो शरीर में प्रवेशित हो जाएंगे। या अकेले की शून्य स्थान में स्थिति, इंसान अकेले कोई रूम कोई बंगले में अकेले तो ग्रह बाधा होती है। या शमशान आदि में रात्रि में रहना जहाँ पे बहुत सारे प्रेत आत्माओं को मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को ये किया है, जैसे क्रिश्चियन लोग के होते हैं या मुस्लिम लोग के शमशान होते हैं, वहां पे अगर रात्रि में कोई रहेंगे तो वहां बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, वो मतलब अतृप्त आत्माएं रहती हैं, भटकती आत्माएं रहती हैं तो वो प्रवेशित करती हैं, तकलीफ देती हैं। या कोई इंसान नंगा रह रहा है, कपड़े नहीं पहन रहे, तो वो एक तरह से ये है छिद्र प्रवेश करने का जगह है। या गुरु की निंदा कर रहे हैं, अविधि पूर्वक मैथुन कर रहे हैं, कैसे भी मैथुन कर रहे हैं मतलब जिस तरह से एनिमल्स करते हैं वैसे कर रहे हैं, कोई नियम नहीं है कोई कुछ नहीं है, मतलब थ्री सम फोर सम कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं मतलब बहुत गंदा कर रहे हैं। या फिर अपवित्र होकर देवताओं की पूजा कर रहे हैं, स्नान नहीं किया है और भगवान की पूजा कर रहे हैं, मैथुन किया है शुक्र का क्षय हुआ गया है और भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्नान भी नहीं किए और कर रहे हैं। या अपने जाति से भिन्न के सूतक का संश्लेष मतलब ये जो है अपने जो अपना कास्ट है, ये पहले के जमाने में था, आजकल इतना जाति प्रथा है नहीं, तो उस हिसाब से होम और मंत्र बलि यज्ञ का विपरीत अनुष्ठान करना या प्रतिभंग होना। होम भी कर रहे हैं तो जिस तरह से करना चाहिए वैसा विधि नहीं करना, मंत्र भी उल्टा पुल्टा बोलना, अशुद्ध उच्चारण करना, बलि और यज्ञ भी उल्टा पुल्टा करना। इसलिए यहाँ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध उच्चारण करिए,
संक्षेप में दिनचर्या में कहे आचार्य आचार का व्यतिक्रम करना। जो दिनचर्या बताइए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, अगर कोई लेट उठ रहा है और पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें छिद्र पाके, जहाँ पे होल रहेगा छिद्र पाके और वो ग्रह शरीर में प्रवेशित हो जाएंगे। छिद्र का मतलब है कि वो उनको एक रास्ता मिलता है, जैसे हम लोग व्याधि होने के लिए बोलते हैं ख वैगुण्य, वैसे ही ये पे छिद्र जो है जहाँ पे वीक पॉइंट है वहां पे वो प्रहार करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में ऐसे बोला जाता है कि जिन लेडीज को, माताओं बहनों को मेंसेस आए वो लोग प्रवेश ना करें। ऐसे मैंने बहुत सारे वैद्य लोग के क्लिनिक में भी देखा है, वहां पे लिखा है कि मासिक जब ये आ रहे पाड़ी आ रही है तो आप ना आए। इस पे आप लोग का क्या मत है, वो सही है क्या, मेंसेस आने पे नहीं जाना चाहिए पवित्र स्थानों पे, आपका क्या मत है? अच्छा ठीक है, आप बाद में बताइएगा। इसका टीका पढ़ दीजिए सविता मैडम। जी सर, सर्वांग सुंदर टीका। छिद्र पाप क्रियारंभ उच्यते, स च अशुभस्य कर्मण पाक फलम्, एकस्य अद्वितीयस्य शून्ये स्थाने वस्तिति अथवा श्मशानादिषु निश्यवस्तिति तथा नग्न इत्यादि किंवा किंवा बहुनो इतेन संक्षेपेण दिनचर्यादि कथितस्य आचरस्य च व्यतिक्रम इति ग्रहग्रहणे हेतु। हाँ, तो इन्होंने बोला है कि छिद्र जो है वो क्या क्या छिद्र होते हैं जहां पे वो ग्रह प्रवेशित करते हैं शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। अपना जो आत्मा है, एक शरीर एक आत्मा, लेकिन जब दूसरे आत्माएं आ जाती हैं उस शरीर को पकड़ती हैं, तकलीफ देती हैं, तो उसके क्या क्या चीजें हैं, हेतु हैं, तो छिद्र क्या है, तो पाप क्रिया का आरंभ अशुभ कर्म करने का फल होता है। अगर किसी ने कोई बहुत बुरे कर्म किए, किसी को तकलीफ दिया, तो उसके कर्म का फल के रूप में उसको ये भोगना पड़ता है। दूसरा है कि एकस्य अद्वितीयस्य, मतलब जहां पे कोई भी नहीं रह रहा है और शून्य स्थान है, अकेले कोई भूत बंगले में कोई इंसान रह रहा है, उसको भूत बंगला बोलते हैं, लेकिन वहां पे अगर कुछ नहीं भी होगा तो निगेटिव एनर्जी बहुत रहती है, तो वहां पे और शमशान आदि में निश्चय अवस्थिति, शमशान आदि में रहना, तथा नग्न इत्यादि, नग्न अवस्था में रहना। और ये शमशानादिशु निश्चयवस्थिति है ना, ऐसे बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं उन्माद अपस्मार के, कि वो शमशान में गए थे और शमशान से जब आए वापस, और वो भी रात को गए थे और कैसे भी वहां पे यूरिनेट कर लिया, वहां पे पॉटी कर लिया आसपास, तो रात को वो ऐसे गए और फिर सुबह है तो उनको कुछ चेंज इन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये जो है वो सच में ऐसे मैंने देखा है। किम वा बहुद्युतेन, इस तरह से और भी बहुत सारे कारण जो ऊपर बताए वो सब होता है। संक्षेप में दिनचर्या जो कहा गया है उसका आचार का व्यतिक्रम करना, मतलब उल्टा पुल्टा करना, ये ग्रह का ग्रहण करने का, भूत ग्रह जो है उसके ग्रहण करने के हेतु रहते हैं। निगेटिव एनर्जी जल्दी शरीर में प्रवेशित हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि अंबानी जी का इतना ऑरा पॉजिटिव है चारों ओर ना, मतलब वो उनका जो अनंत है ना, वो भी इतना मतलब पशुओं का सेवा करता है अनंत अंबानी। उसने एक इंटरव्यू में बताया था इंडिया टुडे में कि ये पशु जो है वो भगवान के दिए हुए हैं, सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि हम लोग जानवर को उत्पन्न नहीं करते, एलिफेंट नहीं बना सकते हम लोग, दूसरे नील गाय नहीं बना सकते हैं, ये भगवान का रूप है, तो इनकी सेवा जो है वो मेरा पैशन है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे खुशी होता है, तो इतना पॉजिटिव वाइब्स है ना, तो निगेटिव चीजें आती नहीं उनके पास में, ये चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूत ग्रहण का समय, इसको कौन पढ़ेगा, संथा देके पढ़िए प्लीज। महेंद्र सर मैं आप पढ़ पढ़ेंगे? देती हूँ भाई। अच्छा आप पढ़िए। सब लोग मैडम के पीछे पीछे बोलिए, वंदना मैडम जी आप बोलिए। गृहणंति शुक्ल, ग्रहणंती शुक्ल प्रतिपत्र, गृहणंती बोलिए शुक्ल शुक्ल पत्र, त्रयोदशो प्रतिपत्र, सुरा नरम, त्रयोदशो सुरा नरम। त्रयोदशो ऊपर कीजिए भाई जी। नरम। एक मिनट एक मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रहों का प्रवेश, और ना ब्लैक मैजिक भी होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना रिश्तेदार या दुश्मन लोग,
वो किसी के घर में कुछ नींबू वींबू लेके, नींबू और वो मिर्ची वगैरह डाल के, और ऐसे वो करके ब्लैक मैजिक करके डाल देते हैं, तो उस घर में बहुत नुकसान होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ऐसे संकट आते हैं, या रोड पे भी फेंक देते हैं वो लोग, उसको लांग दिया ना तो बहुत निगेटिविटी आती है लाइफ में। हाँ पढ़िए आप। शुक्लत्रयोदशी कृष्ण, शुक्लत्रयोदशी शुक्लत्रयोदशी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण द्वादशो दानर्वाग्रह, द्वादशो दानवाग्रह, गंधर्वास्तु चतुर्दश्याम, गंधर्वास्तु चतुर्दश्याम, द्वादश्याम चोरगाः पुनः, द्वादश्याम चोरगाः, द्वादश्याम चोरगाः पुनः, पंचभ्याम शुक्ल सप्तमी क्या, पंचभ्याम एकादशोस्तु वनेश्वर, धनेश्वर, घनेश्वर, धनेश्वर, शुक्लाष्ट पंचमी पौर्षमासीषु, शुक्लाष्टपंचमी पौर्षमासीषु, ब्रह्म राक्षसा ब्रह्म कृष्णे राक्षसा, रक्षः पिशाचाद्या, कृष्णे द्वादश पर्वसु, नवद्वादशपर्वसु, दशाम्यास्य योर अष्टनवम्योः, दशमावस्या, ये दशम अमावस्या योर हाँ अष्टन अष्टमी और नवमी, अष्टनवम्यो पितरो अपरे, पितरोपरे, गुरु दशामा पिता, वृद्धाद्या प्रायः, गुरु वृद्धादय, कालं संध्यासु लक्षयेत्। कालम वह संध्या, जी, मैं कहीं किसी जगह वो पढ़ रही थी कि संस्कृत भाषा को जब हम लोग रोज उच्चारण करते हैं या उसमें कुछ श्लोक या मंत्र पढ़ते हैं, तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, और बहुत अच्छा इसकी कुछ स्टडीज हुई हैं, तो हम लोग सब देख लेंगे, सविता मैम, महेंद्र सर वगैरह, उसको निकाल के फिर उसको डिस्कस करेंगे कि डेली संस्कृत के मंत्रों को बोलना या संस्कृत को पढ़ना, इससे जो न्यूरॉन्स हैं वो उनके ऊपर अच्छा असर पड़ता है, ब्रेन ब्रेन की जो मेमोरी पावर है, रिसेप्टिबिलिटी है, वो बहुत इंक्रीज होती है। तो हम लोग ने आयुष दर्पण फोरम से जो हम लोग पूजा के मंत्र पढ़ते थे वो तो पढ़ते थे, बट आयुष दर्पण पर आके पढ़ना सीखा कि लाइक फ्लो में थोड़ा थोड़ा पढ़, अभी भी नहीं उतना पढ़ पाते लेकिन कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आयुष दर्पण को बहुत बहुत थैंक यू। जी और वेद, आपको क्या लगता है वरना मैम, ये महेंद्र सर और ये सबका ये न्यूरॉन्स कितना जागृत नहीं है क्या, कितने ये तो ज्ञान ऑलरेडी लोग हैं ये, जागृत तो लोग हैं तो अभी तो पहले पेशेंट से लोग महेंद्र इनके सर पास से, अट्रैक्ट होके आते हैं। जी, महेंद्र सर संस्कृत तो को, पहले, हाँ वंदना मैडम, संस्कृत तो गिरवाण भारती बोलते हैं, जी निर्वाण मोक्ष देने वाली गिरवाण, देने वाले, मतलब इससे भारती। इससे जो टंग का ट्विस्टिंग होता है, और जो जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो पूरा मतलब जाता है ऊपर तक, और ऐसा है कि जैसे सर कह रहे हैं संथा देके पढ़िए, तो जब हम संथा देके पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली संधि विच्छेद वो भगवान कराते चले जाते हैं, मतलब हमको उतना अच्छा आता नहीं संस्कृत जैसे, हालांकि जब मैं संस्कृत पढ़ती थी तो मेरे फुल मार्क्स आते थे संस्कृत में, लेकिन एक फ्लो में पढ़ना, ग्रंथों को वाचन करना, तो मैं ये तो अपने आप जब में बेहतरीन है। एमए संस्कृत कर रहा था ना, तो वहां पे कुछ गुरुकुल के लोग आए थे, मतलब वो जैसे अभी भी गुरुकुल पद्धति है साउथ में, वो लोग ना संस्कृत में ही बात करते थे, जैसे हम लोग जी हिंदी में बात करते हैं वो संस्कृत में ही बात करते थे, इतना मजा आया ना उनको देख के, इतना ही वो। और दूसरा क्या, जी मेधा की अग्नि बढ़ती है, तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि जो लोग संस्कृत रोज पढ़ते हैं वो लोग में अकाल जरा नहीं आती है, मतलब जल्दी अर्ली एजिंग नहीं होती है उनको, फेस में जी पिंपल्स नहीं आते हैं, और वो लोग बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं ऐसे।
जी वैजी, मैंने ये देखा भी है कि हमारी फैमिली में मेरी जो सिस्टर इन लॉ सिस्टर है, उनकी 4 सिस्टर इन लॉज हैं और एक ब्रदर इन लॉ। वो लोग संस्कृत के ही आचार्य मतलब प्रोफेसर हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, उन हस्बैंड वाइफ दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और बाकी के मतलब जगह जगह जो भी संस्कृत, तो उनकी रिंकल फ्री फेस है एकदम, और सभी इंटेलिजेंट है, सभी अपने में पारंगत है एकदम। तो उसका वो असर तो मैंने परिवार में ही देखा है कि और एक पंडित और लोग बात भी जो संस्कृत कि के आचार्य आप हैं वो भी ऐसे जी होते हैं। मैडम अपने आप को देख लो, अपने आप कंटिन्यू आप पढ़ो और आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। और नहीं जी जनरली जी 50 साल जी के बाद में जो अपनी स्मृति है वो कम होती जाती है, लेकिन यदि कंटिन्यू जी अपन संस्कृत को पढ़ते हैं तो अपनी स्मृति उल्टी बढ़ती है घटती नहीं। मैं आज तक जी अब तक जब तक मैंने BMS किया और आज तक जितना मैंने किया है अब तक मुझे याद है, तो इसका मतलब देखो मेरी 62-61 साल की उम्र हो गई अब तो। इसका जी इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपन जनरल व्यवहार में भी देख लेते हैं, जो जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो आयुर्वेद वाले भी अपन बहुत कुछ छोड़ गए लोग आग, तो उनकी भी कोई कंडीशन हो गई उनकी 50 साल की उम्र के बाद में पूछते थे हमें पता ही नहीं क्या पढ़ा था, मालूम ही नहीं उसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये जी जी कंडीशन है लोगों की। तो आप कंटिन्यू यदि संस्कृत पढ़ते हो तो आपकी बुद्धि स्वयं ही अपने आप जागृत होगी, ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल और सही कह दूसरी रहे बात हैं। है कि आप हमारे सर को कभी देखे हैं, जमदग्नि सर का फेस, उनको एक भी रिंकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उनके ही जो भाई बहन है उनको देखेंगे तो वो बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, लेकिन हमारे सर यंग दिखते हैं। पास से देखिए पूरा फेस वगैरह है ना एकदम ऐसे सुकुमार है। क्यों है? क्योंकि वो संस्कृत रोज पढ़ते हैं। जमदग्नि सर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, ये सारे ग्रंथ वगैरह संस्कृत में पूरा पढ़ते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो भाई बहनों में और उनको देखा जाए ना तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा होता है। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए वंदना मैडम जी, जी आपने पढ़ रहे सही बात बोला। और आप अभी प्रिंसिपल हैं, आप आयुष दर्पण पे सबको बोलिए कि सुबह उठ के आओ। मतलब अभी कितने लोग हैं? 75 लोग में 12 लोग ही हैं यहाँ पे, बाकी जी लोग जी सो रहे हैं। आप सबको बोलिए कि सब लोग को पढ़ना चाहिए। जी जी पढ़िए। देवता लोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और त्रयोदशी में पुरुष को आक्रांत करते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में और कृष्ण पक्ष की द्वादशी में राक्षस ग्रह आक्रांत करते हैं। गंधर्व चौदस और द्वादशी में, सांप पंचमी में, यक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी और एकादशी में, ब्रह्म राक्षस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पंचमी और पौर्णमासी में, राक्षस पिशाच आदि कृष्ण पक्ष की नवमी और द्वादशी में, पितर दशमी और अमावस्या में, दूसरे गुरु वृद्ध आदि अष्टमी और नवमी में आक्रमण करते हैं। यह ग्रह प्राय करके संध्या काल में आक्रमण करते हैं। जी अच्छे वक्तव्य वक्तव्य में बोल रहे हैं संग्रह में। संग्रह में अष्टभ्याम नवम्याम च गुरु वृद्ध सिद्धा पंचष्टया नवम्याम चर ये क्या पैजी पढ़ेंगे चर्षया, लास्ट चर्षया, चर्चया चर्षया। चर्चया पाठ है। हाँ तो जी यहां जी पर देखिए एक चीज है कि पंचमी में सांप मतलब जो सांप की आत्माएं रहती है ना वो पंचमी को करती है। आप लोगों में से कोई तो कल बता रहे थे ना कि वो ये जो है गायत्री परिवार का जो आश्रम है वहां पे सांप सांप बहुत थे पहले, आप लोगों में से कोई तो बताया, मनीषा मैडम जी मैंने ही बताया। बताया था वैजी की माता जी ने आवाहन किया, फिर वो सब चले गए, फिर खुदाई हुई, फिर वो वहां पर आश्रम बना जो बड़ा बना। हाँ तो ये ग्रह होते हैं या गुरु की आत्मा है, वृद्ध की आत्मा है, ये सब आक्रमण करते हैं। अगर मतलब अशुद्धि रहा, कुछ गलत किया गया है तो किस किस तिथि को कौन कौन से ग्रह आक्रांत। और ये मैंने देखा है, एक मैंने बताया था ना एक आंटी थी उनकी बेटी भाग के और नावी से शादी कर लिया, वो मराठा थे, तो उनको क्या होता था उनके कुछ अपने कर्म भी होंगे शायद, बेटी ने भाग गई वो तो अलग बात है, वो डिप्रेशन में थी, लेकिन मैंने खुद अपने आंख से देखा है कि उनको ना ऐसे कमल का फूल बनता था, जो अपना मणिबंध रिस्ट ज्वाइंट होता है ना उसके नीचे ऐसे कमल का फूल बनता था और दूसरे दिन नहीं रहता था वो, ऐसा लगता था जैसे टैटू बनाया है। और ऐसा सच में मुझे भी ऐसा, और कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिन पे ग्रह बाधा होती है, उनके अंगूठे का जो नाखून होता है उसमें फूल की आकृति बन जाती है, कुछ अजीब तरह का रहता है, और वो एक साल में मर भी गए।
अरिष्ट सूचक बोलेंगे कि ग्रह बाधा, क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन वो क्यों आता है, और कुछ कुछ दिन पे ही रहते हैं, बाद में नहीं रहता है, और नाखून पे ऐसे लगते हैं जैसे टैटू बनाए नाखून पे। ये सच बात है, ये मैंने खुद देखा है। और जो ऐसे बोलते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन के देवता है, तो जब ये ज्वार भाटा आता है हाई टाइड, तो उस दिन तो जो जितने भी पागल रोगी है ना वो सब बहुत ज्यादा ये होते हैं, वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव, उनकी मतलब वो अटैक्स ज्यादा आते हैं जब ज्वार भाटा आता है, या पूर्णिमा आती है तो वो ज्यादा होता है। जो है वो सच में साइंस है इसके पीछे। चलिए इसका टीका पढ़िए। श्लोक में तो कहा है कि देवता भी अटैक हाँ कुछ देवता करते ग्रह, हैं। देव ग्रह, हाँ देवता नहीं देव ग्रह, देवग्रह यानी। जैसे कि अभी जैसे विष्णु भगवान है हाँ वैकुंठ में रहते हैं, तो उनके बहुत सारे ये होंगे ना अनुयायी होंगे, वो देव ग्रह हैं। जैसे कि भीष्म पितामह थे वो भगवान नहीं थे, वो देव देवता के रूप में थे वो। हाँ हाँ जैसे शिवगण, शिव जी के जो गण है वो भी क्या है, देव योनि में है वो लोग, गणपति के गण जो उनके जो भक्त और जो है नौकर चाकर वो भी देवगण है। तो वो भी अगर अतृप्त रहे, जैसे आपने गणपति की पूजा नहीं किया, गणपति की पूजा में आपने कुछ गलत किया है ना, तो उस टाइम पे उनके जो अनुचर वगैरह हैं वो आके आपको तकलीफ देंगे। अभी नंदी बैल जो है वो क्या है, वो शिव जी के ही है ना गण में आते हैं नंदी और ये सब, तो वो अटैक करते हैं, अगर आपने शिव जी का अपमान किया तो ऐसा होगा। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए है कि नहीं वो अलग बात है, और बहुत सारी चीजें अप्रत्यक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष है, हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन जो आचार्य लोगों ने आप्त वचन कहा है उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा होता है। देव इसकी ग्रह उनको कहेंगे सर, जिनके काम पहले तो अच्छे थे लेकिन उन्होंने कोई बुरा काम कर दिया साथ में, वो देवग्रह माने जाएंगे। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अग्नि देवता आके और नुकसान कर रहे हैं, वो हायर लेवल के देवता हैं, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये लोग हायर लेवल के देवता हैं, ये शरीर में नहीं प्रवेशित करेंगे। दूसरा, एक तो ये पॉजिटिव चीज है, दूसरा है कि जो अभी मतलब वो सच में होता है कि नहीं, लोग बोलते हैं देवी आ गई हम पे, और वो ना जब नवरात्रि होते हैं तो बाल घुमा घुमा के करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि उनपे कुछ देवग्रह आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वैष्णो माता के मंदिर में भी लोग बाल घुमा घुमा के बोलते हैं कि देवी आ गई हम पे, अब वो क्या सच है पता नहीं। देवी वगैरह तो मतलब जो देव है वो सत्व पे आता है जो, और उसके बाद मतलब अगर आवेश आता है तो व्यक्ति एकदम उसको संभाल नहीं पाता, केवल साधु और सिद्ध संत जन को छोड़ के। तो नॉर्मल व्यक्ति पे अगर कभी आवेश आ भी जाए तो बहुत हल्का फुल्का रहता है तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अश्रुधारा होएगी, स्तब्ध होएगा, नेत्र खुले रह जाएंगे। लेकिन अगर जो है वैसे नॉर्मली अगर वो होता है तो एकदम मतलब उसको सह नहीं पाता शरीर आपने देखा है तो। ऐसे जो बोलते हैं जी कि देवी आ गई हम पे, जी उनको वह देखा जी देखा, पर मुझे समझ में नहीं आता वो कुछ मतलब वो क्या होता है वो मुझे तो वो सब, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगती है वो। वो सब मानस रोग, ये जो पकड़ लिया भूत बाधा हो गई उसमें भी मानसिक अंकुवत हो जाता है ना, हाँ या होता है। आप मराठी में जैसे बोलते बोल हैं रहे करनी करने, कान में कुछ तो ऐसे मंत्र बोल दिया और वो पागल हो गया, करनी करने बोलते हैं। और मैम इसमें दैव वैपाश्रय कर हाँ लें लेकिन युक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब मेडिसिन भी करेक्ट करना चाहिए। केवल करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम मतलब वो करें, उसके मेडिसिन ऊपर भी ही करना छोड़ दें। चाहिए। हाँ। जी। और वो बंगाली बाबा भी करते हैं ना, ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र से जो आत्माएं हैं ना उनको वशीभूत करते हैं तांत्रिक लोग, और जैसे वो मनकर्णिका घाट वगैरह में बैठते हैं वो साधु लोग, वो जो नागा साधु वगैरह होते हैं तांत्रिक, और उन्हें वो बहुत सारी आत्माओं को वश में कर लेते हैं, और उससे फिर वो तकलीफ देते हैं दूसरे लोगों को, ऐसे छोड़ते हैं आत्माओं को, उनको ऐसे बांध के रखते हैं, वो गुलाम बना के रखते हैं। नहीं सर, नागा साधु बहुत अच्छे होते, तपश्चर्या होती है उनकी, नागा साधु वो के भेष में तांत्रिक बोला मैंने, वो बोलना था।
वो ना क्या करते हैं कि शमशान में जाते हैं और वहां से जो खोपड़ी होते हैं ना स्कल, वो चोरी करके लाते हैं और उस पर तंत्र मंत्र करते हैं, और तंत्र मंत्र करके और बहुत ऐसे गलत चीजें करते हैं वो। जी ऐसे श्वास का भी अटैक पूर्णिमा को आता है, श्वास का, हाँ, अस्थमा का। और आसाराम बापू जी अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उनपे भी आरोप लगा था कि उन्होंने बच्चों को मारा था और उनकी आत्माओं को वशीभूत किया था, ऐसे उनपे आरोप लगा था। अभी क्या बात सच है मुझे नहीं पता। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए, देवा शुक्ल प्रतिपदी। कौन पढ़ेगा? नहीं तो कल मैम कर पढ़िए। आप पढ़िए, खत्म कर देते हैं। 15 मिनट मनीषा मैम, अच्छा आप मैं पढ़ देवा दीजिए। 15 मिनट शुक्ल प्रतिपदी शुक्ल त्रयोदश्या च नर गृहन्ति शुक्ल त्रयोदश्या कृष्ण द्वादश्या च दानर्वा ग्रह गृहन्ति गंधर्वाश्च त्रयोदश्या द्वादश्या च सर्पास्तु पंचभ्याम शुक्लपक्षस्य सप्ताह में द्वादश्या एकादश, एकादश एका सप्तम में हम एकादश श्याम शुक्ल कह रहे। पक्षस्य सप्तमी एकादश्या च यक्षा गृहन्ति शुक्लाष्ट या दिशु ब्रह्म राक्षस गृहन्ति रक्ष पिशाचदय कृष्ण पक्षे नवमी द्वादश्यो पर्वसु च गृहन्ति रक्ष पिशाचादय कृष्ण पक्षे नवमी द्वादश्यो पर्वसु च गृहन्ति दशाम्यादिषु पितरो गृहन्ति अपरे अनुक्ता गुरुवृद्धादे अष्टमी नवम्यो गृहन्ति पूर्वेक्तस्वेव तिथिषु प्रायेण बाहुल्येन ग्रहकाल संध्यासु पर्वादिषु जानीयात। यहाँ पे गृहंती नहीं है, गृहणंती है। गृहणंती मतलब वो ग्रह, वो आवेशित होते हैं, ऐसा है। गृहणंती, गृहंती मतलब लेना, और यहाँ पे आवेशित को गृहणंती बोला है। मतलब देवा शुक्ल प्रतिपदी, मतलब जब प्रतिपदा रहती है, प्रथमा रहता है शुक्ल पक्ष का, या शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी को जो इंसान पे वो गृहणंती आवेशित होते हैं देवग्रह। शुक्ल त्रयोदशया मतलब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, या कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि को दानव ग्रह ग्रहणंती, दानव ग्रह जो है वह आवेशित होते हैं। गंधर्वश्चतुर्दश्या, गंधर्वा चतुर्दश्या द्वादश्या च, मतलब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या द्वादशी होती है तब गंधर्व ग्रह जो रहते हैं वो आवेशित होते हैं। सर्पास्तु पंचम्याम, सर्प ग्रह जो है वह पंचमी को आवेशित होते हैं। शुक्ल पक्ष से सप्तम्याम एकादश्या च यक्षा ग्रहणंती, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को या एकादशी को यक्ष ग्रह जो है वह आवेशित होते हैं। शुक्लया शुक्ला अष्टम्यादिषु, शुक्ल पक्ष के अष्टमी आदि में ब्रह्म राक्षस जो रहते हैं, ऐसे राक्षस जो मतलब ब्रह्म देवता जो रहते हैं ना, मतलब जो ब्राह्मण वगैरह जो रहते हैं बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनका विवाह नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो गई या वो दुखी हैं किसी से, तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। मतलब उनमें पॉजिटिव चीजें हैं लेकिन वो बुरा काम करने के लिए आ रहे हैं, ब्रह्म राक्षसा गृहणंती। रक्ष पिशाचादय, पिशाच ग्रह जो रहते हैं या रक्ष ग्रह रहते हैं वो कृष्ण पक्ष की नवमी या द्वादशी को, या परवसु मतलब उस 15 डेज, 15 15 डेज में वह आवेशित होते हैं। दशम्याम पितरो गृहणंती, दशमी को पितृ ग्रह जो रहते हैं वो आवेशित होते हैं। पितृ ग्रह मतलब हमारे ही रिलेटिव, मतलब हमारे मतलब दादा दादी नाना नानी, ये हमारे ही जो रहेंगे कुल के वो पितृ। अपरे अनुक्ता गुरु वृद्धादया, बाकी जो है वो नहीं कहे, वो सब गुरु और वृद्ध जो है वो अष्टमी और नवमी को आवेशित होते हैं। पूर्वोक्तेषु एव इव तिथिषु प्रायण, जो पहले जो तिथि कहे हैं, बाहुल्यन ग्रहण काल संध्याशु, ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, या शाम के टाइम पे पर्वादिशु जहाँ पे ये संध्या होती है वहां पे ये लोग
आवेशित होते हैं, ऐसा बताइए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आज शाम को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे 7 बजे लेक्चर होगा और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू, प्रणाम, आप लोग का दिन शुभ हो, और सोमवार को शिव जी का पूजा करिए। आज शायद पहला शुरू हो रहा है ना वंदना जी, का, आज तो पहला है ऐसा। आप लोग शिव जी को व्रत करिए या शिव जी पे जलाभिषेक तो जरूर करिए, मंदिर में जी जाए जी। श्रावण का सोमवार आप सभी को बहुत अच्छा हो, आप लोग के धन धान्य दे और शिव जी का आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम लोग सेशन के बाद रुद्राभिषेक करेंगे। अच्छा अभी हाँ, भगवान का प्रेयर करेंगे क्या? वो मोनिका मैडम तो नहीं है, आप शिव जी का कोई भी स्तोत्र बोल दीजिए वंदना मैम। जी पूरा बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम लोग सब 5 बार ओम नमः शिवाय बोल लेते हैं एक साथ, सब हाँ बोलिए सब लोग। लोग एक साथ बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः जी। शिवाय। जी बच्चे, चलिए अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग तैयार होके अपना अपना काम पे जाइए, केवल भगवान की पूजा पाठ नहीं करना है, हम चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्म करना है। तो ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर, प्रणाम।